हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। मीका सिंह के बंगले में उनकी मैनेजर सौम्या खान ने किया सुसाइड। शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा गया पंजाब। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मीका सिंह अक्सर किसी न किसी वजह से खबरों में छाए रहते हैं। अब एक बार फिर मीका सिंह सुर्खियों में हैं, क्योंकि मीका की मैनेजर सौम्या खान ने मुंबई के अंधेरी इलाके में कथित तौर पर नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। सौम्या की आत्महत्या की जानकारी मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को यानी कल दी है। हालांकि सौम्या खान ने आत्महत्या क्यों की अभी इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है और ना ही सौम्या ने कोई सुसाइड नोट पीछे छोड़ा है, लेकिन पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई है। खबरों की माने तो पुलिस का कहना है कि इस मामले में हमें किसी साजिश की आशंका नजर नहीं आई, इसलिए पुलिस ने इस केस को दुर्घटनावश मौत का मामला बताकर दर्ज किया। इसी के साथ मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक ने बताया कि सौम्या खान सिंगर मीका सिंह के अंधेरी इलाके में स्थित 4 मंजिला बंगले की पहली मंजिल के स्टूडियो में रहती थी। ये घटना इसी महीने यानी कि 2 फरवरी 2020 की है। मौत के बाद सौम्या के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिवार के लोगों के पास भेज दिया गया है, जहां सौम्या का अंतिम संस्कार भी हो चुका है। आपको बता दें कि सौम्या खान के माता पिता नहीं हैं, लेकिन उनके दादा दादी पंजाब में ही रहते हैं। इसके अलावा सौम्या खान की मौत के बारे में उनके पति जोएब खान और के साथ साथ मीका सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम पर एक दुखद पोस्ट शेयर करके दुख व्यक्त किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।